अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की जनरल साइंस का सेकंड चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में इसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी एमसीक्यूज़ वगैरह कर लिए थे, अब हम डिटेल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला हमारा डिटेल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 15 ओपन करना है, इस पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा टॉपिक द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल, ये एक उजलाती ऑर्गन है जो कि हमारी बंद मुट्ठी के करीब, हमारी मुट्ठी के करीब इसका साइज है। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट, ये हमारे सीने में पाया जाता है। इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी वाला खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड खून, उसको हमारे फेफड़ों तक लेके जाता है एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हमारी जिस्म तक पहुंचाता है। देयर आर फोर चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हमारे दिल के जो चार खाने हैं, टू अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, ऊपर वाले दो जो खाने हैं उनको आर्ट्रिया और सिंगुलर को एट्रियम बोलेंगे, एंड टू लोअर चैम्बर्स और जो नीचे वाले खाने हैं दो कॉल्ड वेंट्रिकल्स, उनको वेंट्रिकल्स बोलेंगे। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द आर्ट्रिया, जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे दिल के वो थोड़े से साइज में बड़े हैं आर्ट्रिया से। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम, दोनों आर्ट्रिया सेम टाइम में एक ही वक्त में बयक वक्त सुकड़ते हैं, एंड सो द वेंट्रिकल्स, और सेम इसी तरह का प्रोसीजर वेंट्रिकल्स का है। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इन टू द वेंट्रिकल्स, खून जो है वो आर्ट्रिया से निकलता है और वेंट्रिकल्स में जाता है। देर इज़ अ वॉल बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, दिल के जो दोनों आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, इनके दोनों साइड्स पर एक वॉल्व लगे होते हैं हमारे दिल के। दीज वॉल्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ये वॉल क्या करते हैं, हमारे ब्लड जो खून को एक ही डायरेक्शन में एक ही बहाव में फ्लो करवाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द राइट एट्रियम, ऑक्सीजन की कमी वाला जो ब्लड है, जो खून है, वो हमारी बॉडी से इंटर होता हुआ राइट दाएं आर्ट्रियम में जाता है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ आवर हार्ट, और दिल से ऑक्सीजनेटेड से भरपूर जो खून है वो हमारे फेफड़ों से होता हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। द राइट वेंट्रिकल्स पुश द ब्लड टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को लंग्स की तरफ पुश करता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पुश द ब्लड टू द बॉडी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो खून हमारे जिस्म की तरफ पहुंचाता है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, फिगर 2.1 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये दो वॉल्व्स हैं, इसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट एंट्रियम और इसके दो वॉल्व्स और ये राइट वेंट्रिकल्स। हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ तक है। अब हम अपना फिफ्थ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नालियों का स्ट्रक्चर और फंक्शन वो हमने कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 ओपन करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टॉपिक ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक वाइंड अप हो जाएगा, हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, जो खून है हमारी बॉडी के अंदर कैसे मूव कर, खून जो है हमारी बॉडी के अंदर खून की नालियों की वजह से मूव करता है, उनके अंदर मूव करता है। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस, तीन किस्म की ब्लड की नालियाँ हैं, खून की नालियाँ, जिन्हें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस का नाम दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज ऐसी खून की नालियां हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं, लेके जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, आर्टरीज की जो ये मोटी और इनकी जो दीवारें हैं मोटी और लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सी जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को फ्लो करवाती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन की कमी वाला खून फेफड़ों तक लेके जाती हैं। आर्टरीज डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज,
आर्टरीज तकसीम दर तकसीम होकर छोटी छोटी नालियां बनाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कैपिलरीज। सेकंड है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। कैपिलरीज जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं खून की। दे आर सो स्मॉल डैट रेड रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू दैम वन सेल एट अ टाइम। ये इतनी छोटी ब्लड की नालियाँ होती हैं कि जो रेड ब्लड सूरक सेल खून के सेल हैं वो एक वक्त में एक सेल उसके अंदर से पास होता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरी डिफ्यूज इन टू द सेल्स। खुराक और ऑक्सीजन जो है खून से वो उस कैपिलरीज में उस सेल्स की वजह से डिफ्यूज होती हैं, उसमें जज्ब होती हैं। वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसा कि गैर फाजिल मादे और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल से उस कैपिलरीज के खून में जज्ब होते हैं। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज जो है वो दोबारा मिलकर बड़ी खून की नालियां बनाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, वेन्स। अब हम देखते हैं वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल डैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स वो खून की नालियाँ हैं जो खून को दोबारा हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। बहुत सी जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी वाला खून जो दोबारा हार्ट की तरफ लेके आती हैं। बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन से भरपूर जो खून है वो लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, यानी फेफड़ों से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है, आप इसको मार्क कर लें और इसको अपनी होमवर्क वाली कॉपी पर राइट करें। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सेकंड चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आप इसको अच्छे से याद करें और अपनी होमवर्क वाली कॉपी पर राइट करें। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।